नमस्कार दोस्तों, आपको ले आए हैं हम आगरा की गलियों में और इस समय हैं हम द फेमस राम बाबू पराठा भंडार, जो कि बहुत फेमस है अपने पराठे के लिए। घूमते घुमाते हम भी इन आगरा की गलियों से निकलते हुए आ पहुँचे हैं यहाँ पर। काफ़ी इन्होंने शादियों में अपने ऑर्डर दिए हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी चली हुई दुकान है ये पूरे आगरा के अंदर। मथुरा रोड सिकंदरा, आगरा उत्तर प्रदेश भारत के अंदर स्थित है राम पराठा भंडार। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या खाना है यहाँ पर? मिक्स पराठा जो है वो बेसिकली सबका ही स्वाद आपको एक साथ दे देता है, तो इसलिए वो खाना सबसे बेटर होगा। और भी कई तरह के पराठे हैं लेकिन मिक्स पराठा जो है वो मेरे ख्याल से बेस्ट है। सभी दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप ये स्वाद चख सकते हैं किस तरह का पराठा है, कैसा स्वाद है, कैसे आता है, वो सब मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा थोड़ी देर के अंदर। ये देखिए, ये सब्जियां जो हैं उसके साथ दी गई, एक कड़ी थी, एक छोले थे और एक पम्पकिन की सब्जी थी। इस तरह से बेसिकली दोनों ये मिक्स एक सब्जी थी। 1930 के अंदर ये स्टार्टेड हुआ हुआ है और बेस्ट ये है कि इसकी जो प्रिपरेशन है वो सारी देसी घी के अंदर है। टेस्ट पराठे का सच में बहुत उम्दा है। पराठे वाली गली से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये डिफरेंट है, वैसा नहीं है जैसे पराठे वाली गली का है, लेकिन ये डिफरेंट पराठा है। तो देखिए, पराठा भी आपके सामने है। सेटिंग जो है वो यहाँ पर एसी सेटिंग है, तो गर्मियों के अंदर ये बढ़िया चीज़ है। और जो लेटेस्ट प्राइस होगा वो हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहें। तो लीजिए, पराठे की शक्ल देख लीजिए आप किस तरह से है। एक पराठा था, 4 भाग में डिवाइड होकर हमारे पास पहुंचा और पूरा तेल से लिप्त। उससे पहले आपको बताएं कैसा टेस्ट है स्कोर का। टेस्ट में 8.5, वैल्यू फॉर मनी 8, हाइजीन 7.5, सर्विस 8.5, ईजी टू अप्रोच 7.5 और फूड क्वालिटी में हम इसको देते हैं 8। तो ये तो था स्कोर कार्ड। आइए वापस आ जाते हैं और आपको अब ज़रा डिटेल में बताते हैं कि किस तरह था पराठा। पराठा जो था वो काफ़ी क्रिस्पी था, जैसे मैंने पहले भी बताया, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे, मटर, गोभी, आलू, पनीर, जो चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से, दाल, वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर ऑलमोस्ट इक्वल भाग के अंदर थी और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था। बल्कि मेरा तो एक समय मन किया, आप वीडियो में देखेंगे भी, कि विदाउट सब्जी भी अगर इस पराठे को सर्व किया जाए तो बहुत बढ़िया है। आइए अब आपको दिखाते हैं, ये वो कड़ी की बात कर रहा हूँ मैं जो इसके साथ मिली थी। नॉर्मल टेस्ट था, कड़ी हो या जो दूसरी सब्जी की हम बात करेंगे, छोलों की, या बेसिकली छोले नहीं है, आलू की सब्जी है ये, तो आलू की सब्जी की भी जो बात करेंगे वो बेसिक बहुत ही नॉर्मल सब्जी थी। कोई इतनी हाई फाई सब्जी नहीं थी, कोई इतना हाई फाई तेल नहीं था। और ये भी जो मिक्स वेज वगैरह थी या पम्पकिन की सब्जी थी, मिक्स सब्जी थी एक तरह से, ये भी बहुत ही एवरेज सब्जी थी। तो अगर मैं सब्जियों की बात करूँ तो चीज़ें जो थी वो बहुत एवरेज थी, लेकिन पराठा जो था वो अव्वल नंबर का था और बहुत ही स्वाद था। सिर्फ पराठा भी सारे नंबर जो है वो जो पराठे वाला ये शॉप है उसकी सारे नंबर जो है वो ले जाता है। आप जानते हैं, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है वीडियो पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है ताकि हमारी वीडियोस को अच्छा रिस्पांस मिले और हम मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह के स्वाद को हमेशा लाते रहें। दोस्तों, साथ ही साथ इस पराठे की, जिस तरह का वो पराठा तला हुआ था, उसके साथ ज़रूरत थी चाय की। चाय ये खुद नहीं बनाते, साथ वाली दुकान से इन्होंने कुल्लड़ के अंदर चाय मंगवाई और वो भी बहुत ही बढ़िया थी। तो आप वो भी कुल्लड़ वाली चाय भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये था चाय और कुल्लड़, चाय कुल्लड़ पराठा का मिक्सचर। तो आप देखिए आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, पसंद आया, कैसा स्वाद था, ये सब जानकारी हमें ज़रूर कमेंट पे दीजिएगा। आपको अब जो लास्ट में एक बार किचन भी दिखा देते हैं किस तरह से इनकी ओपन किचन है, और ये किचन है जहाँ पर ये तैयारी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोज़।